ओ भाई साहब कहाँ घुस जा रहे हो? लाइन में आवा। मैं कोई सिनेमा का टिकट खरीदने नहीं आया हूँ, दो लाइन लगाओ। अपना कर्ज वसूल कर रहा हूँ, उधार दिया बुल्लो और मुन्ने को। अरे हाँ मुच्छड़ की औलाद, एक तो उधार देकर मेरे बेटों को बर्बाद करता है, ऊपर से ऊंचे सुर में बात करता है। अरे और तुम लोग ये क्या भिखारी की तरह लाइन लगा के खड़े हो? चलो निकलो यहाँ से, एक पैसा नहीं दूंगा किसी को। आउट आउट। अरे भाइयों ये तो अपने बेटों से भी बड़ा चालू है। जूता मारू और खींच के अभी। अरे खुद भिखारी है, दूसरों को भिखारी कहता है? तेरा बाप भिखारी? अरे ये तो नंगा आदमी है, नंगा। इसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अपने पैसे बुन्नु और मुन्नु से ले लेंगे। चलो चलो हाथ पकड़ो। ऐसे मेरे बेटे हर रोज मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं। ये दो टके के लोग मेरे घर पे आते हैं और मेरे लिए मुर्दाबाद के नारे लगा के चले जाते हैं। शहर में एक दुकान ऐसी नहीं बची जहाँ से उन्होंने उधार नहीं लिया हो। 8-8 सौ रुपए की सिगरेट पी जाते हैं कम वक्त। अरे 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 हिम्मत से काम ले हसमुख, हिम्मत से काम ले। अरे जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा ना तुझे। अरे क्या बोया जो मैं ये दिन काट रहा हूँ यार? सुखी तो तू है जो भगवान ने तुझे एक बेटी दी है। मुझे भी अगर दो बेटियां देता ना तो मैं सुखी हो जाता। हाँ जरूर सुखी हो जाता। तुझे दो बेटों की जगह दो बेटियां मिलनी चाहिए थी, जैसे तेरे दो बेटे वैसी। फिर तेरा सफेद मुंह काला हो जाता और तुझे फांसी लगाकर खुदकुशी करनी पड़ती और तेरी लड़कियां सारे शहर में आग लगा। अबे तेरे को शर्म है कि नहीं? कुछ भी बकवास करता रहता है। अरे हाँ आलू का पट्टा जगा के लिए आया था। हाँ मैं काय के लिए आया था? मैं कुछ काम के लिए आया था लेकिन मैं भूल गया मैं किस लिए आया था। अबे तू अपना इलाज करा, क्यों पुलिस डिपार्टमेंट का सत्यानाश करता है यार? अच्छा प्रिया बेटी कैसी है? अरे हाँ याद आया, उसी के लिए तो आया था मैं। हंसता भी ऊपर से। प्रिया बेटी सहेली के साथ संगमपुर गाँव गई है, दो दिन में आने वाली थी, वो अभी तक नहीं आई, इसीलिए तो जा रहा हूँ। तेरी वो बड़ी वाली कार चाहिए मुझे, बड़ी वाली। एक मिनट क्या हो गया? बड़ी वाली कार? बड़ी वाली कार में तू बेटी को लाने जा रहा है या अपनी महबूबा को मिलने जा रहा है? अबे खुसट शर्म कर, इस उम्र में तू महबूबा पालता है, तुझे शर्म नहीं आती है? अरे तूने उसे देखा नहीं है। मुझे देखना भी नहीं है। देखने से पता चलता है कि तूफान को किसी कपड़े में कैद करके रखा है। तंबू के जैसे? अरे तंबू नहीं, कयामत है कयामत। शॉर्टकट में एक बात बोलो, तू उसे देखेगा ना तो तेरी भी नीयत खराब हो जाएगी। मेरी? मैं तेरी तरह खोखला नहीं हूँ। अच्छा उसूलों वाला आदमी हूँ। मैंने आज तक किसी औरत की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा है। अरे देखेगा अभी कैसे, तेरे बच्चे तुझे दूसरी तरफ आंख उठाकर देखने का मौका देंगे तब देखेगा ना तू। ये बात कहूं दोस्त? क्या मेरे बेटे लाख बदमाश सही, लाख शरीर सही, मगर वो रहते हैं तो इस घर में रौनक रहती है, चले जाते हैं तो ये घर काटने को दौड़ता है। 7 दिन हो गए चले गए तो अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं कहां होंगे वो लोग। अरे यार रामी पांडर कमीने, तुझे सिर बुझाने के लिए यही ऐसे मरी थी क्या? दुनिया वाले कहते हैं कि कुत्ता ही सबसे ज्यादा वफादार जानवर है, पर सारे तू उसका भी प्यो है। पिछले 6 दिन से बंगले पर पहरेदार बन के बैठा है, मुझे अंदर बढ़ नहीं देता। अबे बंदर की औलाद, उस कुड़ी से मेरी शादी होने वाली है, पता नहीं तेरा मालक उसके साथ इस वक्त क्या कर रहा होगा जी। अरे प्रिया आज तो अपने कमरे में नहीं सोए? चल अच्छा है, साथ लेट के कुछ बातें करेंगे। अब कुछ बात करना रे तू, चेहरा दूसरी तरफ करके क्यों सो रही है? मेरी तरफ घूम। प्रिया मैं सोच रही हूँ कल आंटी को जाकर कह दूँ कि मैं गुलशन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तू क्या कहती है? लड़के तो अच्छे हैं और मेरा ख्याल है हमसे प्यार भी बहुत करते हैं। क्यों? तभी तो 7 रोज होने को आए और अभी तक जाने का नाम नहीं लिया। और मुझे लगता है जब तक हम इनसे नाराज रहेंगे ये यहाँ से जाएंगे भी नहीं। बिल्कुल नहीं। प्रिया क्या एक बात सच कहूँ? कहो। पहली बार किसी को देख के दिल में कुछ हुआ है। मेरा भी यही हाल है, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि वो हमेशा मेरी नजरों के सामने रहे। और अरे ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी, एक मोटर सा चूहा घुसा था कमरे में, भगा दिया। ठीक है, रात बहुत हो चुकी है, लाइट्स बंद करके सो जाओ तुम लोग। तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हारे दिल का हाल जानने आया हूँ। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। चला जाऊंगा मगर एक
पीता था। ओके, सिर्फ एक। प्रिया, प्रिया बेटी कहाँ हो? तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है, तुमसे मिलने को दिल करता। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मेरा मतलब है, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? नहीं, मैं वो प्रिया बेटी को लेने आया हूँ। बच्चे बाहर घूमने गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। मतलब घर में कोई नहीं है? क्यों 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 नहीं, मैं जो घर में हूँ। प्यारे, आज बड़ा अच्छा मौका है, आज बात नहीं कर सका तो फिर कभी नहीं कर सकेगा। अनु जी, वो रितु को देखने जो लड़का आया था, वो पसंद आ गया रितु को? जी हाँ, लगता है शादी जल्दी ही हो जाएगी। चलो अच्छा है, लेकिन रितु के शादी के बाद तो आप बिल्कुल अकेली हो जाओगी। किया भी क्या जा सकता है। नहीं, वैसे प्रिया के शादी के बाद मैं भी आप ही की तरह बिल्कुल अकेला और तन्हा हो जाऊंगा, सुना सुना घर काटने को दौड़ेगा। इसीलिए तो मैं दूसरी शादी करने की सोच रहे हैं क्या? क्या करूँ, दिन भर मुजरिमों के पीछे भागता हूँ, रात को घर आने का कोई बहाना तो होना चाहिए ना। शॉर्टकट में एक बात बोलूँ, नो लाइफ विदाउट वाइफ। कोई लड़की देख रखी है क्या? पिछले 2 साल से देख रखी है, 50% बात भी तय हो चुकी है। 50%? जी हाँ, 50% मेरी तरफ से, 50% बची है उसकी तरफ से। तो फिर उसे आप पूछ क्यों नहीं लेते? क्या करूँ, अब डर लगता है कहीं नाराज ना हो जाए। मर्दों में यही तो सबसे बड़ी खामी होती है, बिना बात के डरते हैं। अनु जी, मैं यही तो कह रहा। शायद बच्चे आ गए। नालायकों को इसी वक्त आना था। अरे आ गए तुम लोग, प्रिया तुम्हारे डैडी आए हैं। क्या? हाँ। आप कब आए? अभी अभी बेटी, अभी अभी। नमस्ते, नमस्ते बेटी। नालायको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आप ही नहीं जानते अंकल? अरे बहुत अच्छी तरह, कमीने कहीं के, हफ्ते भर से गायब है दोनों। तुम दोनों को मालूम है तुम्हारे डैडी तुम्हारी वजह से कितने परेशान है? अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, हम तो बोलकर भी आए। देखिए ना, खामखा लोग बोलते हैं कि दुनिया बड़ी है। अब आप ही देख लीजिए, आप गुलशन को भी जानते हैं। गुलशन? रंजीत को भी जानते हैं। रंजीत? और इनके डैडी हीराचंद को भी जानते हैं। हीराचंद? ये हीराचंद कौन है? अंकल जी, आपकी कमाल की भूलने की आदत है। कल ही आप हमारे डैडी से मिले। लो अभी आप पूछ रहे हैं कि हीराचंद कौन है। नहीं, लेकिन उस हीराचंद का तुम्हारे डैडी से क्या ताल्लुक है बुन्नू? बुन्नू? हाँ बुन्नू। ये बुन्नू कौन है? ये बुन्नू। ये क्या चक्कर है मुन्नू? मुन्नू? ये देखिए आंटी अंकल मुझे भी गलत नाम से पुकार रहे। अंकल मेरा नाम मुन्नू नहीं है, रंजीत है। रंजीत? अरे ये तो बजरंगी है ना, या और कोई है? अंकल ये तो बजरंगी है और ये गाड़ी भी स्टार्ट कर चुका है। क्यों? इसलिए कि हम लोग को अभी यहाँ से भागना है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अनु जी, मुझे लगता है आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा? ये दोनों मेरे पुराने दोस्त हसमुख के लड़के हैं, गुलशन और नहीं, मेरा मतलब है बुन्नू और मुन्नू। डैडी, डैडी। तो फिर आ गया बदमाश? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। मुझे मारना चाहता है मार लीजिएगा, मगर पहले बुन्नू को बचाइए, उस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ। क्या? और उसकी याददाश्त चली गई है। पहले नहीं की जोड़िया की गोरिया, जाने मन के बतिया हमारे। क्या हो गया तुझे? एक मिनट माँ, एक मिनट ठहर जरा। यार ये कैसा एक्सीडेंट है, चोट तो कहीं नजर नहीं आ रही है। अंदरूनी चोट लगी है, गाड़ी सीधी भेजे पर चढ़ गई और ये बेचारा पागल हो गया। अरे हम पागल नहीं हुए। देखिए सारी दुनिया चांद पे जात है, हम सीधा सूरज पे चाप। नहीं नहीं बेटे, सूरज तो बहुत गर्म होता है, वहाँ आग ही आग है। अरे खातिर तो हम फैसला किए हैं कि हम सूरज में दिन में नहीं, रात में जाओ रात में। अब बड़ी कलेजे में ठंडकते रहे और मार इसे। अरे माँ, मैं कोई लोगों को दुश्मनी से थोड़ी मारता रहता हूँ, औलाद ज्यादा बिगड़ने जाए इसलिए मार देता हूँ। क्या अब भी विश्वास नहीं करेगा? जा डॉक्टर को बुला जा। नहीं नहीं, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता, अभी करता हूँ।
अरे मेरे बच्चे, मेरे मुन्नू, क्या हो गया तुझे? कहाँ है तुम्हारे साहब? आप ही मिस्टर हसमुख हैं? देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। आप ही मिस्टर हसमुख हैं? जी हाँ, फरमाइए। मैं आपसे शिकायत करने आई हूँ। मुझसे? मैं तो आपको जानता भी नहीं। मुझसे कोई गलती हुई है? गलती? गलती आपके बेटों ने की है। जानते हैं उन्होंने क्या किया है? पिछले 7 दिनों से उन्होंने मुझे और मेरी भांजियों को बेवकूफ बना रखा है। वो तो ठीक है मुन्नू, मगर पागल की एक्टिंग करते करते कहीं मैं सचमुच पागल ना हो जाऊं रे। तू हो या ना हो, डैडी जरूर पागल हो जाएंगे। डैड देख देख, बुन्नू कुछ याद आया, ये डैडी है। डैडी? ये डैडी का होता है? डैडी मेरे जैसा होता है बेटे, एक बहुत बड़ा गधा होता है जो अपनी औलाद का बोझ अपने सर पे उठाता है। कुछ याद आया बेटे? नहीं डैडी, बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ याद नहीं आ रहा। बहुत थक गया होगा ना बेटी, नीचे आ जाओ, सब याद आ जाएगा। आ जाओ। बेटा ऊपर लेकर आता है, बाप नीचे लेकर जाता है, तो चलो नीचे चलते हैं। हम किधर करते हैं का? धीरे धीरे रे संभाल के कुछ याद आया? नहीं। तो फिर ये तेरी आंखें क्यों फैल गई? बस यूं ही फिर गई डैडी। डैडी, आधी याददाश्त वापिस आ गई ना? आधी मैं वापिस? नहीं 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 डैडी, मरीज को मत मारो। मरीज? अरे मरीज तो मैं तुम दोनों को। आंटी जी, हम लोगों ने जो गलती की उसके लिए आप हमें माफ कर दीजिए। हमारे डैडी बहुत गर्म है, आप उन्हें ठंडा कर दीजिए ना प्लीज। क्या इस बार बड़ी मुश्किल से घर में घुसा है आंटी जी, कुछ कीजिए वरना डैडी हमें फिर से घर से निकाल दे। यही सजा है तुम लोगों ने कि तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। और तुम लोग भूखे प्यासे सड़कों पे ठोकरे खाओ। मैम साहब, इतने गए गुजरे भी नहीं हम लोग, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल सकते हैं। तो सुनो बेटा, आज के बाद मेहनत और मजदूरी करके तुम अपना पेट पालना। ये आप बोल रहे? तुम 2 रुपया मुझे कमा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा तुम लोगों। आप हमें चैलेंज कर रहे? हाँ चैलेंज कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कितने निकम्मे और नाकारा तुम लोग, और फिर इतने शरीफ और इज्जतदार लोगों के घर में जाकर इतनी घटिया हरकत की शर्म नहीं है तुम लोगों को? अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, हम लोग उनसे प्यार करते हैं। व्हाट्स योर प्रॉब्लम डैड? अब अल्फाज नहीं मिल रहे तो जाने दीजिए ना। अच्छा क्या बोला? निकल निकल बाहर। ए डैडी, हम कोई कचरा नहीं है जो आप घड़ी घड़ी उठाकर घर से बाहर फेंक देते हैं। अबे ये मेरा घर है, यहाँ मेरा हुक्म चलता है, जो मेरे हुक्म में नहीं चलता वो बाहर जाता है। आपका घर? डैड, आज तक हम इसे अपना घर समझते रहे, मगर आज आपने हमारी आंखें खोल दी। आंखें? आज से हम अपने पैरों पर खड़े रहकर दिखाएंगे। आप हाथ जोड़िए, पैर जोड़िए, तब भी हम वापस नहीं आएंगे। इस बातें बैठा लेना। मैं तो मजाक कर रहा था। ओके 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 आंटी, बाप और बेटों के बीच दीवार खड़ी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चल बजरंगे। देखा, बंदर समझता है लेकिन आप नहीं। डेरे डेरे रे।